विश्व पर्यावरण दिवस पर आज बिरसा क्षेत्र के भीमजोरी में रानीधार बंजर नदी के किनारे विभिन्न संगठनों के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया। इस मौके पर वन विभाग बैहर, पर्यावरण बचाओ अभियान, संविधान बचाओ संगठन, कोयतूर भीमाल पेन संगठन, ग्राम सभा भीमजोरी, खुर्सीपार, भटलई और नेहरू युवा केंद्र की ओर से फलादार और आयुर्वेदिक औषधि वाले 35 पौधे रोपे गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रेंजर सुनील कुमार पंद्रे, वनपाल रूपलाल टेकाम, ग्रामीण युवा भूपेंद्र टेकाम, तीरेंद्र उइके, नारायण धुर्वे, पूरन कुसरे, चंद्रकला टेकाम, मंजू क्षीरसागर, कुशल आर्मो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विश्व के स्तर के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और इन्हें काटने से बचाएं। इसी के साथ मैं और बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ में वन विभाग की पूरी टीम और पर्यावरण बचाओ अभियान की संगठन की टीम और इसके साथ ही भारतीय संविधान बचाओ अभियान की टीम, नेहरू केंद्र संगठन की टीम और कोयतूर भीमाल पेन संगठन की टीम और हमारे ग्राम सभा की टीम, हम सभी ने मिलकर आज इस काम को किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज कलेक्ट्रेट परिसर में जन अभियान परिषद के तत्वावधान में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने पौधा लगाया। इसके साथ ही अन्य अधिकारियों और जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों द्वारा भी पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। बताया गया कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इससे मानव जीवन के लिए कई तरह की समस्याएं निर्मित हो रही है। इस हेतु पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मदर टेरेसा सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश मरार का जन्मदिन हर साल की तरह पौधारोपण कर मनाया गया। इस दौरान शहर के देवी तालाब परिसर में आम, जामुन, नीम के पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में सेवेंद्र परिहार, अमित शर्मा, जीतू बर्वे, नीटू कौशल, मोबिन खान, सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान, इंद्र बसेने, विकास मेसराम, आकाश नागेश्वर, राहुल सोनी, राहुल पटेल, अंबर श्रीवास्तव, सूरज मानेश्वर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज जो ग्लोबल वार्मिंग बदलती जा रही है, शहरों में ही नहीं गांव में भी पूरा वातावरण चेंज हो रहा है, जिसके कारण अभी के समय जो पानी का मौसम बन जाना था, गर्मी का माहौल इतना तेज है कि गर्मी में जैसी गर्मी नहीं लगती वैसे अभी गर्मी लगती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रत्येक वर्ष कहीं पे भी पर्यावरण दिवस के अवसर से पौधे लगाते हैं और उसकी देखरेख भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि भारत की जनता, बालाघाट की जनता उसको बड़े गंभीरता से लें और वृक्षारोपण के साथ साथ जो अपने आजू बाजू तालाब, नदी, नाले ये सब रहते हैं, इनको सबकी सफाई भी करें, क्योंकि इसकी निकासी से पानी का फ्लो अच्छा रहता है। और इनकी देखरेख भी करें, अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है नदी नालों में, तालाब में, उसके बारे में लोगों को जागरूक करें, शिकायत करें। और साथ साथ और भी अनेकों सामाजिक कुरीतियां उनको तोड़ते हुए सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाएं। कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर जोन वनमंडल परिक्षेत्र समनापुर के जंगल से लगे ग्राम जयरासी में एक चीतल तालाब का पानी पीते समय कुत्तों की आहट पाकर दलदल में फंस गया। ग्रामीणों द्वारा इस घटना की सूचना तत्काल वन श्रमिक के माध्यम से परिक्षेत्र अधिकारी को दी गई, जिस पर क्षेत्र संचालक के मार्गदर्शन एवं परिक्षेत्र अधिकारी सीता जामरा के नेतृत्व में तुरंत रेस्क्यू टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर वन्य प्राणी चीतल को अपनी सूझबूझ से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ा गया। रेस्क्यू के दौरान वन श्रमिक केवल सिंह ध्रुवे एवं मणिराम मरकाम ने साहस के साथ दलदल वाले तालाब में पहुंचकर चीतल की जान बचाने में भूमिका अदा की। उनके अलावा रेस्क्यू दल में परिक्षेत्र सहायक पंडरा पानी, जेपी चौरसिया, घनश्याम सयाम, वन रक्षक जयरासी, नरेंद्र यादव, वन रक्षक पंडरा पानी, वन श्रमिक केवल, मणिराम और सुरेश ध्रुवे भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सुखार परिक्षेत्र के पीपरवाड़ा तालाब में कुछ साल पहले ऐसी ही घटना हुई थी,
जिसमें एक अनुशासित और कर्मठ वन रक्षक ने गश्ती के दौरान तालाब के दलदल में फंसे चीतल को बचाने अपनी जान गंवाई थी। इस घटना के बावजूद भी आज कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम ने वन्य प्राणी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए अपनी चिंता न करते हुए दलदल में फंसे चीतल को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन 2022 के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण जिले में प्रारंभ हो चुका है। 4 एवं 5 जून को आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के लिए नियुक्त 12 शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस लापरवाही के लिए उनकी 3 वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी और 3 वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी।